अपेक्षा है आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर में पधारेंगे और बापा का दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आपके आपका दर्शन सुलभ हो इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां करके रखी है, आप जरूर आइए। धन्यवाद। किस प्रकार का आयोजन व्यवस्था तो इनके लिए सबके लिए स्वतंत्र मार्ग बने हुए हैं, यहाँ तक कि विकलांगों को, वरिष्ठ नागरिक और जो मान्यवर है समाज में, इन सबके लिए अलग अलग बिल्कुल व्यवस्था की हमने। स्वतंत्र VIP रेलिंग खोला हुआ है, मार्ग खुला हुआ है और सबकी तो व्यवस्था अलग है। ज्यादा से ज्यादा समय लोगों को कम से कम समय में दर्शन हो इसके लिए हमने उनके हाथ केवल प्रणाम करके आशीर्वाद पाने के लिए खुले रखे हैं, इसलिए कि हम लोग प्रवेश द्वार पर ही उनकी पूजा की सामग्री स्वीकार करके उनको प्रवेश करवाते हैं और आखिरी में निकलते समय उनको प्रसाद देकर विदा करते हैं। आपने मास्क के लिए के बारे में ऐसा है, एक्चुअली पिछला इतिहास का अनुभव देखते हुए इतिहास से हमने कुछ सीखना चाहिए, हमने सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। तो जो जागरूक नागरिक है वह तो मास्क पहन के आएंगे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के किसके हालत ठीक नहीं है तो उसको तो हम हमारे तरफ से हमारे लेवल से हम उनको मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे, इतना तो हम लोग कर सकेंगे।